पशुपति पारस को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में नहीं है, क्या आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं तो इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहां पर नजर आए थे क्या? क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देखें? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, चारों सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है, उनको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतजार कर लें, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करे। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहां पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहां पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं है, जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में, वो सभी पार्टी वहां से आना चाहते हैं। और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करते हैं। नहीं ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है, चुनाव लड़े, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का, हमारे नेता तो लोकसभा पहुंच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती। अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है, ये मुझे लगता है कि इस विषय पर केंद्र सरकार और जो फॉरेन एजेंसीज है वो इस विषय पर ज्यादा बेहतर, हमको लगता है कि जांच का विषय, जांच के बाद सही चीजें स्पष्ट होगी।